सलाम, कैसे हैं आप सब। YouTube में वीडियोस बनाना अगर देखा जाए बहुत ज्यादा आसान है। ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी YouTube में होती है, तो बस उस तरीके से अपना ईमेल बनाएं, उसके बाद आप YouTube चैनल बनाएं, उसकी भी वीडियो आपको YouTube में मिल जाती है। तो जब आप YouTube चैनल बना लेते हैं तो जाहिर है आप चैनल बनाते ही इसलिए है कि आपने उसमें वीडियोस डालनी है, तो वीडियोस कौन सी बना के डालें। वैसे तो YouTube कहता है कि आप क्रिएटिव बने, आप अपना बेस्ट दें, आप जो भी वीडियो YouTube में डालें वो पहले कभी YouTube में ना हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे भी कॉपीराइट नहीं आता है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कोई वीडियो, जैसे कोई तलावत की वीडियो है, ऑडियो है, और या कोई किसी की कुकिंग की वीडियो है, किसी की कोई क्लिप्स हैं, उनका अपनी वीडियो में डालते हैं, तो आपको कॉपीराइट आ सकता है। YouTube आपको कह सकता है कि या तो रेवेन्यू शेयर करें, पैसे शेयर करें उनके साथ। जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको उस चैनल को जिसकी आपने वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल किए हैं या ऑडियो इस्तेमाल की है, तो आधा आधा आप लोग शेयर करेंगे। तो लेकिन अगर आप फ्रेश कंटेंट बनाते हैं, आप अपना कंटेंट बनाते हैं, आपका होता है, उसमें आसानी भी होती है, फायदा भी होता है, आज भी उसका कोई नुकसान नहीं है, कल भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फ्रेश कंटेंट बनाना ही बहुत मुश्किल बात है। तो अगला स्टेप आता है कि कौन से टॉपिक्स या कौन सी चीजों पे बात की जाए यूट्यूब पे। जब चैनल बनाने के बाद वीडियो बनानी है तो वीडियो आसान तरीन, लोग आजकल अगर देखा जाए यूट्यूब पे अगर देखता है कि इजी वे क्या है, कौन सी इजी वीडियो है यूट्यूब के लिए वायरल होने के लिए, तो जो वायरल होती है वीडियोस, उस तरह का कंटेंट, जैसे अब आपको पता है कि वायरल बेवजह भी कई ज्यादा चीजें हो जाती हैं, बहुत कम होती हैं जो क्वालिटी वाली भी होती हैं और डिजर्व करती हैं कि वो सब लोग उसको देखें सुने, लेकिन जो बेवजह वायरल हो जाती हैं वो भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने खुद मेहनत करके काम शुरू करना है, उसके लिए आपको YouTube गाइड भी करता है और आप खुद भी फील करते हैं कि हाँ, जैसे कुकिंग सबसे ज्यादा जो पॉपुलर समझा जाता है, लेकिन कुकिंग से भी ज्यादा आजकल मैं आपको बोलूँ तो व्लॉगिंग, जो खुद एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो कैमरे के आगे आके बस बोलते जाते हैं जो उनके दिमाग में आता है, और जो घर में चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इस तरह के जो भी कंटेंट बनाते हैं व्लॉगर्स, लोग इसको ज्यादा आसान समझते हैं और इसमें मिलियंस ऑफ व्यूज भी आ जाते हैं लोगों को। तो लेकिन कई लोग होते हैं वो फेस के बगैर चैनल बनाना चाहते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उसके लिए कुकिंग वाले चैनल, अगर आप कुकिंग की नहीं कर सकते हैं, और ऑप्शंस में टेक वीडियोस आती हैं जिसमें आप किसी को कोई चीज सिखाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको आपकी कोई, मैंने एक हॉबी से रिलेटेड वीडियो भी डाली हुई है इसी चैनल पे, आप कैसे अपनी जिंदगी में ढूंढें कि आपको किन चीजों से सुकून मिलता है और पॉजिटिव अच्छी चीजों को अपनी हॉबीज बनाएं, और फिर उन हॉबीज को आपने प्रोफेशन कैसे बनाना है, वो वीडियो भी लास्ट में जाके देखें, बहुत आपके काम आएगी। तो वो है भी बच्चों के लिए वीडियो, और अगर बड़े भी देख लेंगे तो उससे आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है, वो भी वीडियो देखें। तो आप नोट करें कि अगर जैसे कुकिंग में आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आप नहीं वो वीडियोस बना सकते हैं, तो जो आपके अंदर क्वालिटी है, इवन आप कपड़े सीना सिखा सकती हैं, आप कपड़े काटना सिखा सकती हैं, आप कढ़ाई के कोई टांके हैं, इतने ज्यादा टांके हैं, आप उस तरह की वीडियोस बनाने के लिए आप कैमरा एक जगह सेट करके नीचे आप फ्रेम और धागा और सुई लेकर बैठ जाएं, और बस आप बोलती जाएं और आप वो टांके लगाती जाएं, ये बेस्ट वीडियोस आइडिया है स्टिचिंग का भी और ये कढ़ाई करने का भी। इसके अलावा पढ़ाई सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट है, इसमें इस टॉपिक में मैं इस तरह असाइनमेंट बनाती हूँ, इस तरह होमवर्क है, किसी भी किस्म के तरीके से आप एजुकेशनल वे में बना सकती हैं वीडियो। घर के अंदर आपने कमरे को ऑर्गेनाइज कैसे किया है, कमरे को खूबसूरत कैसे बनाया है, अगर आपका बजट इजाजत देता है तो आप बाहर जाके शॉपिंग वीडियोस भी बना सकते हैं, बल्कि अगर आपका बजट इजाजत नहीं भी देता है तो विंडो शॉपिंग करें, आप बस जाके शॉपिंग करते हुए वीडियोस बनाते रहें उसके क्लिप्स, तो उसको स्लो मोशन में उसकी स्पीड कम करके वीडियो की, तो आप वो भी अपने चैनल में डाल सकते हैं, पीछे अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं, तो शॉपिंग के बारे में बता सकते हैं, अपने आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की शॉपिंग जो ज्यादा बेस्ट सेलर है वो बता दें,
इससे बहुत ज्यादा फायदा ये होता है कि एक दुनिया के कोने में अगर आप ये वीडियो बना रहे हैं तो दूसरे कोने के लोग जब वो YouTube वीडियो देखते हैं उनको बहुत ज्यादा आइडियाज मिल जाते हैं। इवन जैसे शॉप्स उन्होंने तैयार की होती हैं अपनी और चीजें जैसे अरेंज की होती हैं, जो जो आइटम्स किचन से रिलेटेड, कपड़ों से, जूतों से रिलेटेड होती हैं, उससे आइडियाज मिल जाते हैं जो दूसरे दुनिया के कोने में रहने वाले लोग देखते हैं। तो उनके लिए ये सोशल मीडिया और इंटरनेट से पहले वो ख्वाब थी, वो नजरों से ओझल थी, तो वो नहीं पता होती हैं ये बातें, और जब पता चलती हैं तो उससे आइडियाज खुलते हैं, एक नई दुनिया आबाद हम कर सकते हैं। तो और वो माशाल्लाह हम देख भी सकते हैं कि अगर तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पर अगर शॉप्स किसी ने शुरू की हैं फोन से रिलेटेड, कपड़ों से, जूतों से, ज्वेलरी, उन्होंने माशाल्लाह अब अपनी शॉप्स को आइडियल वे में बड़े स्टाइलिश तरीके से के साथ चीजें साफ सुथरे तरीके से रख रहे हैं। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शॉप्स को मैनेज करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह आइडियाज आपको मिल जाते हैं जो आपकी जिंदगी में हो रहा है पॉजिटिव, उसको अच्छे तरीके से आप YouTube में वीडियोस बना के डालें, फ्रेश कंटेंट डालें, आपका फायदा है। और आज की वीडियो में मैं ये छोटे छोटे, बल्कि ये छोटी छोटी बातें नहीं थी, आज की वीडियो में बहुत काम की बातें थी। अगर ये एक बार सुनने से समझ नहीं आएगी आप बार बार इसको सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि अगर एक वीडियो एक बार देखिए किसी की तो एक ही गो में समझ नहीं आती है, क्योंकि अगर कोई वीडियो बनाता है बहुत मेहनत से फिर होमवर्क करके बनाते हैं, तो आप लोग उसको बार बार देखें। कोई पॉइंट आपके काम का हो उसको अप्रिशिएट करें कॉमेंट में, कोई बात आपको जैसे आप मशवरा देना चाह रहे उसको भी कमेंट में अच्छे अल्फाज में लिखे, कोई बात बुरी लगे वो भी लिखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस तरह की मैं और ढेरों ढेर वीडियोस लेकर आऊंगी जिसे आपका फायदा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट में अपने आइडियाज भी बताएं, जो आपके लिए नई चीज थी वो बताएं, जो आप अगर इस पर अमल करना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ। मेरे चैनल की किसी वीडियो से आपका फायदा हो मुझे दुआ में जरूर याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमेशा की तरह हर वीडियो की तरह अपने की महाना पॉकेट मनी लगाएं, उनको महाना खर्चा दें। अगर पेरेंट्स को पैसे नहीं देने हैं तो उनकी जरूरत की चीजें, उनकी दवाइयां उनकी पर्सनल अलमारी में, उनके कमरे में ला के रखें, कोई भी उनकी चीजों को ना छेड़े, और देखिएगा आपके पेरेंट्स आपको, माँ बाप आपको इतनी ज्यादा दवाएं देंगे और आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाते हैं जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो चलें मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।